नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटा हमने तुझे पैसा लेने के लिए बड़ा नहीं किया। रमन सिंह और उनकी पत्नी लीला देवी गांव में रहते हैं। उनकी दो संतानें हैं, एक लड़का सूरज और लड़की रश्मि। दोनों को ही उन्होंने अच्छा पढ़ाया है। बेटा और बेटी दोनों की शादी हो गई है। बेटा सूरज बड़े शहर में रहता है, इंजीनियर है, अच्छा कमाता है और सूरज के भी दो बच्चे हैं। ऐसे तो वो कभी कभी गांव आ जाते हैं मिलने, लेकिन अब एक साल से सूरज मिलने नहीं आ पाया। और इधर माँ बाप को सूरज का घर भी देखना था। सूरज ने एक नया फ्लैट लिया है तो उसकी पूजा के लिए वो वहाँ जाएंगे। रमन और लीला बैग भर कर बेटे सूरज के शहर पहुंच गए। सूरज उन्हें देखकर खुश हुआ। बहू ने भी अच्छे से आव भगत की। फ्लैट की पूजा हो गई। रमन जी गांव में रहते हैं तो उन्हें फ्लैट कुछ जमा नहीं। 1 BHK था, वो भी बड़ा महंगा लिया था। वो सूरज को बोले, बेटा शहरों में यही मुझे पसंद नहीं, घोंसले जैसे घर होते हैं। सूरज ने घर लोन पर लिया था। अब सूरज के माता पिता ने बातों बातों में बोला कि बेटा हम तो यही रहेंगे कुछ दिन। 1 BHK फ्लैट में सूरज और 2 बच्चों के साथ अब माँ बाप भी रहने लगे। बहू सुनीता को अब परेशानी होने लगी क्योंकि घर छोटा, ऊपर से कार और घर की किस्तें, साथ ही दोनों बच्चों की स्कूल की भारी भरकम फीस। लेकिन उन दोनों ने अपने पिता और माँ से कुछ नहीं कहा। पिताजी सप्ताह भर बाद बेटे से बोले, अच्छा बेटा हम कल सुबह जा रहे हैं। बेटे ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, आप एकदम से जाने की बात क्यों कर रहे हैं। बेटे ने एक नज़र सुनीता की तरफ भी की। उसे लगा कि शायद उसने कुछ बोल दिया होगा। पिता बोले, बेटा जब तू छोटा था कुछ बोल भी नहीं पाता था, तब भी मैं और तेरी माँ समझ जाते थे कि तुझे क्या चाहिए। आज तू भी बच्चों का बाप है, तू भी समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूँ। बेटा तू बड़ा हो गया है लेकिन आज भी हमारा बेटा है। बेटा बड़े शहर में नौकरी, घर और बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, यह मैंने देख लिया। तेरी परेशानी हमें अच्छे से दिखाई दे रही है, किस तरह से तू बड़े शहर में संघर्ष कर रहा है यह मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ यह देखने के लिए ही रुका था। बेटा हम तेरे माँ बाप हैं, हमसे आज भी तू कुछ भी कह सकता है जैसे बचपन में कहता था, आज भी कुछ भी मांग सकता है जैसे तब मांगता था। हमारे पास जो भी है सब तेरा है। हमने तुझे इसलिए बड़ा नहीं किया कि बुढ़ापे में हम तुझे बड़ा करने का हिसाब लें। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने आगे कहा, जरूरत पड़ी तो हम जमीन बेच देंगे ताकि तेरा लोन का पैसा कम हो जाए। यह सब तेरे और तेरी बहन के काम नहीं आएगा, तो किसके काम आएगा। बेटा बोला, नहीं अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। पिता बोले, बेटा कभी भी परेशान मत होना, जब तुझे जो चाहिए बस बता देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अब सिर्फ तुमको और बच्चों को खुश देखना है। अक्सर पिता और बेटा बड़े होने के बाद गले लगना, प्यार जताना भूल जाते हैं। यह दोनों भी ऐसे ही थे, लेकिन अब बेटे ने पिता को गले लगाया और उन्हें जाने नहीं दिया। वो वहीं रहे 1 महीने। सूरज को अब थोड़ी और हिम्मत आ गई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता उसे गलत नहीं समझेंगे और बाकी प्रॉब्लम तो वो सुलझा ही लेगा। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस